हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस क्या है कि जब इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो कैसे फील्ड में होगा, इसको कैसे फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब देखते हैं उस पर क्या होता है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखेंगे तो उसके दो पॉइंट पर जहाँ पर अपोजिट चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है? फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो देखते हैं वो कैसे हो, क्या होता है। जैसे हमारे पास एक डाइपोल है, ये दिख रहा है आप। इस डाइपोल में क्या है कि इस पॉइंट पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो दिख रहा है कि हमको इस पर जो फोर्स होता है क्यू इंटू ई और यहाँ पर नेगेटिव क्यू इंटू ई, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। और इस जो ये पॉइंट ओ है यहाँ पर, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, इक्वल हैं और पैरेलल है। क्लियर? तो देखने वाले की तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दो चार्ज है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। सम स्मॉल डिस्टेंस टू ए, जो कि सेपरेट किए गए किससे, कुछ छोटी सी ए प्लस ए यानी टू ए डिस्टेंस है। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वी हैड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था जैसा कि ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इसमें है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखते हैं। लेकिन अगर हम टोटल फोर्स की बात करें इस डाइपोल पर तो वो कैसा लगेगा, जीरो। एक पे नेगेटिव की हुई है, पॉजिटिव की हुई है, ये दोनों पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नेगेटिव की हुई, पॉजिटिव की हुई, टोटल जो फोर्स है ऑन सच टाइप ऑफ डाइपोल कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर? अब देखते हैं, चूंकि ये फोर्स कैसे होते हैं, मैंने बताया था आपको ये जो फोर्स है ए और बी पॉइंट पर कैसे हैं, इक्वल है, अपोजिट है और पैरेलल है, तो ये फोर्स क्या फॉर्म करते हैं, एक कपल फॉर्म करते हैं, एक कपल, जिसकी वजह से ये पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। क्या रोटेट कर सकते हैं? जब रोटेशन करेंगे तो इस पर क्या अप्लाई होगा, एक टॉर्क अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? एक टॉर्क अप्लाई होगा। तो उस टॉर्क को यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो जो टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ कपल होता है, यानी कपल जब मूवमेंट करेंगे तो उसका मोमेंट अगर हम फाइंड कर लें, क्लियर, तो हम लोग टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। तो जो टॉर्क निकलेगा वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, तो इनके ऐसे ऐसे हम लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। तो फोर्स एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी, बी सी है। क्लियर? लेकिन हमको बी सी फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस क्या है, टू ए। ये तो बी सी इक्वल टू क्या हो, टू ए से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमको बी सी मिलेगा, टू ए साइन थीटा। और जो फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर जो अप्लाई होता है वो होता है क्यू इन टू ई। सो ये दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा टॉ इक्वल टू क्यू ई, टू ए साइन थीटा। तो टू क्यू ए इंटू ई साइन थीटा, तो टू क्यू ए क्या होता है, पी होता है डाइपोल मूवमेंट, पी तो पी हो गया और ये ई हो गया साइन थीटा। तो ये हमको फार्मूला मिला टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा यानी टॉर्क। अब देखिए पी ई साइन थीटा को अगर लिखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, पी क्रॉस ई। क्लियर? अब इसके केसेस को देखें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, रख दो तो टॉर्क कितना मिलेगा, पी इंटू ई। अगर उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में अगर एंगल यानी जो थीटा है वो जीरो है, तब जो है टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी हम कह सकते हैं ये पोजीशन कैसी है, स्टेबल पोजीशन में टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल पोजीशन पर है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 डिग्री, तब हम कहेंगे ये अनस्टेबल में। वो कैसे, कि जो 180 डिग्री का मींस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट मींस ये कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक टॉपिक यहाँ पर और बताएंगे आपको कि अगर डाइपोल जो है वो कैसे फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर ये डाइपोल कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी फील्ड जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा, मानो ऐसे ऐसे इस तरीके से है, यानी
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई डाइपोल को हम रख दें ऐसा करके, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ऐसा करके, तो क्या होगा अगर इसमें कहीं हम डाइपोल पुट कर दें ऐसा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्लियर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पर फोर्स कम हो जाएगा, क्लियर। तो यानी ये क्या है, फोर्स ऑफ कपल नहीं फॉर्म करेंगे। जब फोर्स ऑफ कपल नहीं फॉर्म करेंगे इट मीन्स ये रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि रोटेशन जब ही होता है जब फोर्स जो होते हैं दोनों पॉइंट पर इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल होंगे, क्लियर। तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा ये टॉर्क, ये जो डाइपोल है उसी के डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, क्लियर। तो इट मीन्स जो इसमें क्या है कि टॉर्क फॉर्म नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर जो फोर्स है टोटल फोर्स वो भी जीरो नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां पर फोर्स जीरो नहीं होगा, और उसमें किसी टाइप का कोई रोटेशन भी नहीं होगा, कोई टॉर्क भी अप्लाई नहीं होगा, जबकि यहां पर जब यूनिफॉर्म होगा तो टॉर्क अप्लाई होगा ही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो टॉपिक हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है स्टूडेंट। सो थैंक यू। अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन है या कोई टॉपिक बारे में एक्स्ट्रा में अगर कोई पढ़ना है तो आप मेरे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको नए वीडियो में उस टॉपिक को समझा दूंगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व भी कर दूंगा, क्लियर। सो ओके, थैंक यू गाइस।